करीना कपूर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक को किया शेयर। लेट्स टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। करीना कपूर खान ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में दिल खोलकर अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में की बात। करीना ने अपने करियर को लेकर बात करते हुए कहा, It started out great. I did some amazing films, but then came a year where I didn't work at all. I felt like my career was over. I was told to reinvent my film, become size zero. I know everyone goes through a lull in their career, but as an actor, it's worse. There are millions of eyes on you. Somehow, throughout my career and my life, I've been blessed with people who have loved and supported me so thoroughly. So just when I thought I was falling, Saif got me. I'd met him numerous times before, but when we were filming Tashan, something changed. Kareena ne aage kaha, A few years later, I was blessed with our son, Taimur. Motherhood is one of the greatest things that has happened to me. Taimur is a part of me. I can't go an hour without him. He's always with me. Whether I'm on set or anywhere else, he makes me want to work harder every single day. I'm at a stage in my life where I don't have to choose between my career and my family. I'm doing both. I'm an actor, but through all of the ups and downs, I've been a sister, a wife, a mother, and none of these roles have deterred me. In fact, it's put me on the right path. My dreams have gotten bigger. There's so much more to achieve as an actor and as a woman. करीना कपूर खान इज डेफिनेटली अ ट्रेंडसेटर, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो शादी के बाद फिर से काम करने की हो, चाहे तैमूर के बाद फिर से फिट होने की बात हो, शी हैज बीन देयर एंड शी हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। आई कंप्लीटली एग्री विद यू सागा, बिकॉज यू नो बॉलीवुड में एक जमाने में यही होता था कि भाई फीमेल एक्ट्रेस है, शादी हो गई, कम मूवीज मिलेगी, प्रेग्नेंट हो गई, बेबी हो गया, उसके बाद तो करियर पूरी तरह से खत्म। बट करीना कपूर ने ये ट्रेंड तोड़ा है, उन्होंने नया ट्रेंड सेट कर दिया दैट बॉस शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ। शादी के बाद काम किया, प्रेगनेंसी का ब्रेक लिया, उसके बाद वो वापस मूवीज में आए एंड जस्ट लुक एट द लिस्ट ऑफ मूवीज शी इज डूइंग। वीरे दी वेडिंग अभी तख्त में आएंगी, उसके बाद अक्षय कुमार के साथ गुड न्यूज में आएंगी, उसके बाद अंग्रेजी मीडियम इरफान खान के साथ जो बन रही है मूवी उसमें एज अ लीड प्ले करेंगी। तो वो जो एक पुरानी धारणा थी ना लोगों के दिमाग में कि भाई शादी हो गई अब लीड एक्ट्रेस का रोल नहीं मिल पाएगा, अब आओ थोड़ा सा गेस्ट अपीयरेंस मारो और चले जाओ, वो जो स्टीरियोटाइप था वो तोड़ा है करीना कपूर ने बिल्कुल। और उन्होंने इस इंटरव्यू में काफी कुछ किया है, हाउ शी हैड अ लो इन हर करियर। नाउ वी ऑल रिमेंबर दैट शी वाज द फर्स्ट वन टू बी साइज जीरो इन बॉलीवुड। साइज जीरो का जो यू नो एक दौर आया था बीच में जो फिर चला भी गया, बट शी वाज द वन टू डू इट एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ शी वाज गोइंग थ्रू अ लो फेज। एक पूरे साल उन्होंने फिल्म्स नहीं की थी उस पूरे टाइम एंड दैट्स व्हेन शी मेट सैफ। तो ये जो रेवलेशंस किए हैं उन्होंने, वे सैफ एक्चुअली हेल्प्ड हर हील एंड आफ्टर दैट व्हेन शी गॉट मैरिड शी स्टिल कंटिन्यूड वर्क and she became more ambitious in terms of which films she wants to do. और of course तैमूर के बाद जिस तरीके की fitness उन्होंने follow की है, not only in Bollywood but people all over the world in India so inspired. They want to know what she eats. They want to know what you know. She has basically changed the whole stereotype, like you said. Yeah, and you know many other actresses they are joining this league. I mean just you know just look at the list. Anushka Sharma, she is working and she is working like how. Sonam Kapoor, Deepika Padukone, the list is very long. Ishwar राय बच्चन, यू नो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग एंड आई जस्ट होप कि ये जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना हमारे इंडस्ट्री में दैट कि भाई शादी हो गई अब काम नहीं मिलेगा, अब उतने किरदार नहीं मिलेंगे, आई जस्ट होप कि जो नया ट्रेंड चालू हुआ है ये हमेशा के लिए बरकरार रहे एंड उतना ही दमदार किरदार फीमेल एक्ट्रेसेस को भी आगे भी मिलता रहे जैसा अब मिल रहा है, जितना मेल एक्ट्रेस को मिलता रहा है। और क्योंकि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, देयर आर सो मेनी फीमेल लेड फिल्म्स नाउ, स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही है एंड वी होप और लिखी जाए, बिकॉज ऐश्वर्या राय, यू नो इवन इफ रानी मुखर्जी इज कम बैक विद मर्दानी, वी हैव करीना कपूर खान आफ्टर किड्स, दे are still showing, they are proving कि कैसे वो अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं और कैसे वो फिल्म्स भी कर सकते हैं। और नेहा धूपिया फॉर दैट मैटर इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग वर्क, शी ऑल्सो कंटिन्यूड वर्किंग वाइल शी वॉज प्रेगनेंट। सो हैट्स ऑफ टू दीज लेडीज एंड फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी अराउंड यू।